अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जिस तरीके से कानपुर में बिजली कटौती की जा रही है, बिना किसी सूचना के पूरे शहर में बिजली कटौती की जा रही है, लोग गर्मी में त्रस्त है। तो हम लोगों का एक जो राजनीतिक दल होने के नाते जो एक फर्ज बनता, धर्म बनता है कि हम लोग प्रशासन को अवगत कराएं, उनका ध्यान संज्ञान मिलाएं कि भाई बिजली कटौती से शहर के लोगों को निजात मिले। जब आज हम लोगों ने कल MD साहब से समय ले करके यहाँ पर उनको ज्ञापन देने आए कांग्रेस के कार्यकर्ता, तो MD साहब के गैर मौजूदगी में कोई यादव जी हैं टेक्निकल इंजीनियर, उनसे हम लोगों को आ गया ज्ञापन देने के लिए। हमने जब उनसे बात शुरू की तो उन्होंने हमसे कहा कि अब तो आप लोग लेट हो गए हो, जबकि बिजली कटौती आज भी हो रही है और कल भी हुई है, सारे समाचार पत्र इसके गवाह हैं। हमने जब उनसे कहा कि भाई लेट का कोई सवाल नहीं है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, बिजली कटौती के चलते लोग पानी की समस्या से जूझ रहा है, पूरा शहर त्राई त्राई कर रहा है, तो वो अफसर इतना आपे से बाहर हो गए कि अभद्रता पर दारू हो गए और कहने लगे कि हम तो मजाक कर रहे थे। एक अधिकारी, इतना बड़ा अधिकारी जो टेक्निकल इंजीनियर हो, जो डायरेक्टर और जो MD की गैर मौजूदगी में ज्ञापन लेने काम कर रहा है, वो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से मजाक कर रहा है। ये मजाक करने की स्थिति है कि पूरा शहर बिजली की समस्या से त्रस्त है, पूरा शहर त्राई त्राई कर रहा है, और जब हम आपका ध्यान संज्ञान कराने आए तो आप हमसे बता रहे हैं कि हम आपको मजाक कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि रमजान में बिजली नहीं आ रही, तो मैंने मजाक में रमजान तो आज खत्म हो गया, क्या मतलब है इस बात का, इसमें क्या गलत कहा मैंने? क्या तरीका करता है इसमें? तो समस्या का रमजान की अब बता रहे हैं ना, क्या सुनते हैं उसमें? चिल्ला इसलिए रहे कि मीडिया उनके साथ लेके आए, छपवाना चाहते छापो तुम, मीडिया क्या मतलब है, मीडिया का मतलब क्या है?